हाय वेलकम साइंस की मेरी इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि कैसे एरेटोस्थेनेस नाम के आदमी ने 230 BC में यानी आज से 2300 साल पहले धरती के साइज़ को हमें एस्टिमेट दिया था। लेकिन उससे पहले हम बात करें, हमें पहले ये बात करनी होगी कि धरती का शेप क्या है, धरती दिखती कैसी है। पुराने ज़माने में लोगों को ये मानना था कि धरती जो है सपाट है। भाई ऑब्वियसली धरती दिखने में सपाट थी, तो लोग ये समझते थे कि धरती सपाट है। और लेकिन जब वो समुद्र को देखते थे तब उन्हें समझ नहीं आता था, भाई तुम समुद्र को देखते हो, तुम रोज़ सूरज को नीचे जाता हुआ देखते हो, तो तुम्हें ये तो पता चलता है कि धरती इन्फिनिट तक नहीं है, कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। अगर कहीं ख़त्म होती है तो फिर समुद्र का पानी कहाँ जा रहा है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि अच्छा ऐसा है कि धरती जो है समुद्र का पानी झरने की तरह नीचे गिर जाता होगा, और इसी डर से इंसान जो है समुद्र में ज़्यादा दूर तक जाता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं फिर एक दिन यहाँ से जो है गिर जाऊंगा और फिर धरती से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अपने फ्लॉ थे। पुराने लोग ये सोचते थे कि अगर धरती सही में फ्लैट है और समुद्र का पानी जो है गिर जा रहा है, तो फिर समुद्र सूख क्यों नहीं जाते, है ना, क्योंकि नदियां भले ही समुद्र में आकर मिल रही हों लेकिन समुद्र तो इतना बड़ा है। तो इस हाइपोथेसिस में कि धरती सपाट है अपने फ्लॉज थे। कुछ वाइज आदमी, कुछ आदमी उस समय पर ये सोच मानते थे कि धरती सपाट नहीं है, खाने की प्लेट की तरह, वो क्रिकेट की बॉल की तरह, गेंद की तरह गोल है। ऐसा वो क्यों मानते थे इसकी हम बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो आप ये मानते हो कि धरती जो है सपाट है और मैं ये मानता हूँ कि धरती जो है गोल है, हम दोनों इस बात में लड़ रहे हैं, मैं अब आपको कैसे कन्विंस करूँ कि नहीं भाई देख धरती गोल है। एक ऑप्शन तो बहुत सिंपल ये है कि मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं जो है जा रहा हूँ धरती की सैर पर, और तुम धरती का चक्कर लगाकर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं यहीं पर आ जाऊँगा। अगर धरती सही में गोल है तो फिर ऑब्वियसली मेरे को घूमकर यहीं पर वापस आ जाना है। लेकिन क्या ये फिजिबल ऑप्शन है? क्योंकि सपोज़ तुमने चलना चालू किया और बीच में तुम ओशन में डूब गए, या फिर अगर धरती गोल नहीं हुई, मान लो कि मैं गलत था तो मैं मर जाऊँगा, और अगर धरती जो है गोल है भी तो हमें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी है। तो चलते रहे, पता चला इतने बूढ़े हो गए चलते चलते वापस ही नहीं आ पाए जहाँ पर चल पाए थे, तो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम क्या करें, कैसे हम इसके बारे में आर्ग्यू करें? यहाँ पर साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं साइंस की मदद से। साइंस में ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, इनफैक्ट अभी भी आती है आज के ज़माने में, जब हम किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी फिनोमिना को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, हम उसके आसपास रिलेटेड फैक्ट्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो तो, सपोज़ साइंस बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कि एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पे होता है। जब किसी क्राइम सीन पे डिटेक्टिव को बुलाया जाता है तो वो देखता है कि भाई क्या क्या फैक्ट हैं, मुझे यहाँ पर एक किसी की लाश मिली है, उसके पास एक चाकू मिला है, तो वो फिर सारे ऑब्जर्व करने के बाद कि ऐसा है, ओ फिंगरप्रिंट मिल गए, ऐसे करने के बाद वो थ्योरी निकालता है कि मुझको लगता है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है और इस आदमी ने किया है। अब ऑब्वियसली जो भी वो थ्योरी देगा वो फैक्ट्स को मैच करनी चाहिए। तुम किसी की, सपोज़ किसी की डेथ हुई है स्टैबिंग करने से, मतलब चाकू से, तुम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो गन से मरे हैं, ये तुम्हारी थ्योरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फैक्ट्स को ही मैच नहीं करता। इसी तरह साइंस में तुम पहले सारे फैक्ट्स लिख लेते हो और फिर तुम एक ऐसी थ्योरी देते हो जो कि फैक्ट्स को मेजर, जो कि फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। अगर तुम्हारी थ्योरी फैक्ट्स से नहीं मिलती तो तुम्हारी थ्योरी गलत है, क्योंकि फैक्ट्स तो गलत नहीं होते। इनफैक्ट फ्यूचर में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करे तो वो फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स को तुम्हारी थ्योरी से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हारी थ्योरी जो कि पास्ट में सही मानी जाती थी, फ्यूचर में या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर मॉडिफाई हो जाएगी। और साइंस जनरली ऐसे ही वर्क करती है, वो हमेशा मॉडिफाइंग चीज़ है जो हम कंटिन्यूसली सीखते जाते हैं और थ्योरीज़ मॉडिफाई करते जाते हैं जैसे जैसे हम और सीखते हैं यूनिवर्स के बारे में। खैर आज हमारे पास दो मेन हाइपोथेसिस हैं कि क्या धरती सपाट है खाने की प्लेट की तरह, या फिर क्या धरती गोल है क्रिकेट की बॉल की तरह, गेंद की तरह। तो पहली हाइपोथेसिस, हम अपने सारे तथ्य लिख रहे हैं, पहला तथ्य यह है कि भाई धरती देखने में तो सपाट है। ऑब्वियसली ये फ्लैट धरती की हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है,
और लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है थोड़ा सा वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली दिखने में धरती फ्लैट है। मैं अपने आसपास देखता हूँ धरती फ्लैट है, मैं दूर में देखता हूँ कि एक पेड़ है वो भी बिल्कुल मेरे से पैरेलल है, इसका मतलब धरती भाई फ्लैट है ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो सेकंड हाइपोथेसिस है कि धरती कर्व्ड है, अभी भी वो पॉसिबल है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब धरती बहुत बड़ी हो और धीरे धीरे कर्व्ड होती हो। उस केस में बहुत पास अगर आप किसी चीज़ को देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि पैरेलल है। सपोज एक चींटी है और वो एक बहुत बड़ी बॉल पे चल रही है, तो उसे तो यही लगेगा कि धरती फ्लैट है, समझ रहे हो? तो ये हाइपोथेसिस इसको ऑब्वियसली फेवर करती है कि धरती फ्लैट है, लेकिन लेकिन अभी भी दोनों ही संभावनाएं पॉसिबल हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरा तथ्य यह है कि समुद्र नहीं सूखते। मेरे पिताजी के समय में, मेरे ग्रैंडफादर के समय में सब में ओशन था, अभी भी है। इसका मतलब ये है, अब ये है ऑब्जर्वेशन किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन इससे इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क उठता है कि धरती अगर सपाट है तो समुद्र का पानी कहाँ जा रहा है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन ग्रीक में रहने वाले लोगों ने दी थी उसी समय पर, कि भाई जब हम दूर से आते हुए शिप को देखते हैं तो पहले उसका ऊपर वाला पार्ट दिखता है, सेल दिखती है, जो मतलब ऊपर का झंडा जो वगैरह जो होता है, और उसके बाद शिप का नीचे वाला पार्ट देखता है। ऐसा तभी हो सकता है जब धरती कर्व्ड हो, क्योंकि अगर धरती सपाट है तो अगर दूर में कोई चीज़ है तो अगर उसका ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है तो नीचे वाला पार्ट भी दिखेगा, क्योंकि धरती सपाट है। ठीक है, तुम दूर में एक पेड़ देखते हो, उसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दोनों दिखता है, लेकिन अगर दूर, समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ पेड़ का ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है और उसका जड़ें कहाँ हैं वो नहीं दिख रही। लेकिन अगर बहुत दूर में कोई शिप होता था तो उसमें ऐसे ही होता था कि उसका ऊपर वाला पार्ट दिखता था, नीचे नहीं दिखता था। तो इसकी वजह से लोग ये आर्ग्यू करते थे ग्रीक्स उस समय कि शायद धरती कर्व्ड है। ये ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग ये जो है एक ऑब्जर्वेशन है, और ये सेकेंड को फेवर भी करती है, बट मैं इसे थोड़ी सी वीक कहूँगा, क्योंकि हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ मेजर नहीं किया। थोड़ा सा वीक आर्ग्यूमेंट लगता है मुझे, बट डेफिनेटली एक हाइपोथेसिस ये भी है। चौथा फैक्ट, चौथा फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, वो ये कि सपोज आप कोई सितारा देखो, उस समय लोग एस्ट्रोनॉमी यानी सितारे देखने में बड़ा बिलीव करते थे, क्योंकि तब इंसान के पास रात में काफ़ी टाइम होता था, वो जो है ऊपर देखता था और उसे लगता था कि स्टार्स ही शायद हमारा भाग्य लिखते हैं। सितारे, मरने के बाद इंसान शायद सितारा बन जाता है और यही हमारे देवता हैं, तो वो स्टार्स को बहुत देखता था। तो लोगों को बहुत अच्छा आइडिया था कि किस समय कहाँ पर कौन सा स्टार देखेगा। तो ऐसा एक स्टार वो उन्होंने नोटिस किया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ पे जाते जाते तो ऊपर दिखता था और अगर वो साउथ जाते थे धरती पे तो वो नीचे दिखता था। इनफैक्ट ऐसा ऑब्जर्व हम आज कर सकते हैं कि जो नॉर्थ स्टार है, पोलारिस भी कहते हैं जिसे, कि अगर आप धरती के नॉर्थ पोल पर जाओगे तो वो एकदम सिर के ऊपर दिखेगा, और अगर इक्वेटर पे जाओगे यानी धरती के बीच में, तो वो आपको एकदम धरातल यानी होराइजन पे दिखेगा। तो ऐसा जो है फ्लैट धरती पर होना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सितारे बहुत दूर हैं और अगर धरती फ्लैट है तो उनसे आने वाली रेज, अगर आप धरती पर 150 किलोमीटर चलोगे उससे सितारा ऊपर ही दिखेगा आपके सिर पे। अगर आप यहाँ से देख रहे हो ऊपर है, यहाँ जाओगे तो भी ऊपर ही दिखेगा, समझ रहे हो? यहाँ चले जाओगे तो भी ऊपर ही दिखेगा। लेकिन अगर धरती कर्व्ड है, जैसा कि मैं इस फोटो से दिखाऊं, तो अगर आप नॉर्थ पोल पर हो तो ऊपर दिखेगा, और अगर चलते जाओगे इक्वेटर पे आ जाओगे तो आपको धरातल यानी होराइजन पे दिखेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है, क्योंकि फ्लैट धरती में इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। पांचवी हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, और ये हमें एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल जो है टीचर था एलेक्जेंडर द ग्रेट का, ग्रीस में रहता था 300 BC। ये एलेक्जेंडर का टाइम है, जब जब भारत में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है। एरिस्टोटल बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था, उसका स्टूडेंट, उसका टीचर था प्लेटो, प्लेटो का टीचर था सोक्रेटिस, और एरिस्टोटल ने उस समय एक बुक लिखी थी ऑन द हेवेंस,
जिसमें उसने दो आर्ग्यूमेंट दिए थे, जिसमें उसने कहा था कि मुझे लगता है कि धरती गोल है, और उसके उसने दो कारण दिए थे पहले की हम बात कराए और चौथे फैक्ट में। पांचवा फैक्ट जो उसने दिया था वो ये था कि उसने चंद्र ग्रहण देखा था, ल्यूनर एक्लिप्स, और उसको ये मालूम था कि ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो धरती की शेडो से बनता है और कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो धरती की शेडो अगर उसने ऑब्जर्व करी तो उसने पाया कि वो हमेशा गोल है, हमेशा धरती की शेडो जो बनती है वो गोल बनती है। तो उसने ये आर्ग्यू किया कि अगर धरती की शेडो हमेशा गोल है, हर चंद्र ग्रहण में हम देखते हैं कि धरती की शेडो जो है वो कर्व्ड बनती है, इसका मतलब धरती जो है वो गेंद यानी बॉल की बॉल के जैसी ही होगी, क्योंकि अगर फ्लैट होती, सपोज़ धरती फ्लैट है तो उसकी जो शेडो बनती वो कभी लंबी हो सकती थी, कभी एलिप्टिकल हो सकती थी, हर बार उसका गोल बनना यही सिग्निफाई करता था कि धरती जो है वो स्फेरिकल है। सब समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो कि अगेन धरती के गोल होने पर फोकस करता है। अब सपोज आप डिटेक्टिव हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने सारे एविडेंस देख लिए, आप अगर डिटेक्टिव होते क्राइम सीन पर, आप क्या वर्डिक्ट सुनाते? मेरा मानना यह है कि सारे वर्डिक्ट सुनने के बाद एविडेंस दो के फेवर में बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली आज से 2300 साल पहले अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि मैं एक्चुअल सच जान पाऊँ। एक्चुअल सच जानना बहुत सिंपल है, आप जाओ एक फ़्लाइट ले लो, फ्लाइट ऊपर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और धरती को देख लो पूरे फुल में। और आज 2300 साल बाद हमने ले ली है वो फ्लाइट, आज हम जानते हैं सच क्या है, और ये है सच। अर्थ, ये फ़ोटो अपोलो 17 मिशन में ली थी और बहुत ही फेमस ब्लू मार्बल फ़ोटो है, और ये है सच कि धरती गोल है। तो उस समय जिसने भी ये कहा था कि धरती गोल है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, वो सही था। इस तरह साइंस वर्क करती है। हो सकता है कि आज भी ऐसी कई थ्योरीज हैं जिन कई ऑब्जर्वेशन हैं जिनके लिए अब हमारे पास बस थ्योरी ही है, लेकिन वो सारी थ्योरी अच्छी हैं और साइंस इसी तरह वर्क करता है जो कि सारे फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाएँ। भाई साइंस में हम यही करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स जो चल रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व करें, देखें और समझें कि वो कैसे चल रहा है, वो किन लॉज और किन रूल्स को वो फॉलो कर रहा है। अगली बात हम करते हैं, शेप हमने सेटल कर लिया कि धरती गोल है, क्या अब धरती कितनी बड़ी है, इस बॉल का साइज़ कितना है, 100 किलोमीटर है या 1 लाख किलोमीटर है या 1 अरब किलोमीटर है, ये हमको निकालना है कि धरती बड़ी कितनी है। इराटोस्थेनेस 276 BC में ये पैदा हुआ था, जो कि 230 BC के आसपास करीब एरिस्टोटल की डेथ हुई थी, तो करीब एरिस्टोटल के 50 साल बाद ये पैदा हुआ था। और उस समय अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंड्रिया सिटी भी बना ली थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसका ये डायरेक्टर था। एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन जो आप और मैं शायद कभी नोटिस ही ना करें, वो इराटोस्थेनेस ने नोटिस की। और यहाँ पर मैं ये पॉइंट करना चाहूँगा कि जो भी बड़े लोग होते हैं वो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से ही काफ़ी कुछ निकाल लेते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। तो लाइफ में, साइंस में, आपको बस सिंपल चीज़ों से ही ये क्वेश्चन करना होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत ही सिंपल चीज़ इसने पढ़ी, एक दिन लाइब्रेरी में इसने पढ़ा कि बहुत ही स्ट्रेंज बात कि जून 21 को नून पे यानी ठीक 12 बजे कोई भी छड़ी या कोई भी स्टिक जो है, साइंस एक सिटी थी अलेक्जेंड्रिया सिटी के साउथ में, वहाँ पर कोई उनकी परछाई नहीं होती थी। अब ये बहुत ही अजीब बात है, लोगों को लगता था कि परछाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो सकता है कि सन जो है एकदम ऊपर है। उस दिन जून 21 को जैसे जैसे समय 12 के आसपास बढ़ता जाता था, जो परछाई होती थी, जो शेडो होती थी, वो छोटी होती जाती थी और 12 बजे ठीक जून 21 को साइन में शेडो ख़त्म हो जाती थी। उस समय अगर आप किसी कुएं में देखते तो कुएं में आप पाते कि बिल्कुल सूरज दिखता कुएं में, पानी में, इसका मतलब सन ठीक ऊपर था। अब इराटोस्थेनेस ने ये वंडर किया कि क्या अगर साइन में ऐसा होता है तो क्या अलेक्जेंड्रिया में भी ऐसा होगा। तो उसने कहा ठीक है, सिंपल है, उसने एक छड़ी ली और उसने ये पाया कि उसी समय पर जून 21 को 12 बजे अलेक्जेंड्रिया में शेडो बनती है। अब ये उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई एक ही स्टिक
धरती के एक जगह पर शेडो दे रही है और सेम टाइम पर थोड़ी सी दूर नॉर्थ में अलेक्जेंड्रिया में सिमिलर स्टिक जो है शेडो नहीं सॉरी अलेक्जेंड्रिया में स्टिक जो है शेडो दे रही है और साउथ में साइन में बिल्कुल शेडो नहीं बन रही। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सपोज मैं फिगर से एक्सप्लेन करूं, सपोज दो सिटी दो छड़ी हैं, एक मान लो ये जो है साइन में है और ये जो है मान लो अलेक्जेंड्रिया में। अगर सन की रेस पहले ला रही हैं, जो कि सन बहुत दूर है उसकी रेस पहले लाती हैं, तो अगर एक जगह शेडो नहीं बनेगी तो दूसरी जगह भी नहीं बननी चाहिए। सिमिलरली अगर अगर सन की रेज जो हैं वो पैरेलल आती हैं लेकिन एंगल पे आ रही हैं, तो अगर एक छड़ी शेडो बनाती है तो दूसरी को भी बनानी चाहिए और उतनी ही लंबाई की। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक जो है छड़ी शेडो बना रही है और एक नहीं बना रही? एरेस्टोस्थेनेस का कहना था कि ऐसा होने का एक ही मतलब है कि धरती खुद कर्व्ड है, धरती सपाट नहीं है। सपोज धरती ऐसे कर्व्ड होगी तो क्या होगा? सन की रेस पैरेलल आ रही हैं, एक जगह पर शेडो नहीं बन रही, दूसरी जगह पर जो है छड़ी थोड़ी सी है टिल्टेड है तो उसकी शेडो बन रही है। तो ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, इनफैक्ट ये छठा ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारे पास। और इतना ही नहीं, उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ये नाप लूं किसी तरह कि इस शेडो की लंबाई कितनी है और यहाँ पर शेडो बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर शेडो की लंबाई कितनी है, तो उससे मुझको ये आइडिया लग जाएगा कि धरती कितनी कर्व्ड है। क्योंकि अगर धरती ज़्यादा कर्व्ड हो, धरती अगर ज़्यादा कर्व्ड होगी तो भाई लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर धरती जो है या फिर छोड़ो चलो, धरती अगर ज़्यादा कर्व्ड होगी तो इसकी शेडो की डिफरेंस में बहुत फर्क होगा, और अगर धरती सपाट जैसी है तो उनकी लंबाइयों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो है एक जगह देखा कि शेडो नहीं थी, साइन एलेक्जेंड्रिया में शेडो थी, तो उसने ये निकाल लिया। इस फिगर में हम देखते हैं कि सपोज सूरज की किरणें आ रही हैं, साइन में तो सीधे वो कुएं में पड़ रही हैं, थोड़ी सी दूर जो है शेडो बन रही है। तो उसने एक आदमी को हायर किया, उस आदमी को उसने कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा, जा ये नापो कि साइन और एलेक्जेंड्रिया में डिस्टेंस कितना है। उस आदमी ने डिस्टेंस नापा और डिस्टेंस पाया गया करीब 800 किलोमीटर, और उसने ये निकाल लिया कि भाई शेडो में डिफरेंस कितना है। तो शेडो में उसने डिफरेंस पाया कि डिफरेंस करीब है 7.5 डिग्री का, यानी कि जो शेडो बन रही थी वो 7.5 डिग्री के बराबर बन रही थी। तो इससे तो उसने कहा कि या 7 डिग्री की बन रही थी लगभग, तो उसने ये कहा कि अगर 7 डिग्री धरती कर्व हो गई करीब 800 किलोमीटर में, और 7 डिग्री होता कितना है, 360 डिग्री पूरा अगर धरती होती है उसका 1/50, तो अगर 1/50 150th 800 किलोमीटर है, तो पूरी धरती कितनी होगी, 40,000 किलोमीटर। और ये माइंड ब्लोइंग है, मतलब दिस इज जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आप बस बस शेडो देख रहे हो, केवल परछाई देखी आपने, सिर्फ छड़ियों से और सिर्फ सिंपल दिमाग लगा के आपने बैठे बैठे ये निकाल लिया कि धरती का साइज कितना होगा। और ये बहुत ही क्लोज एस्टिमेट है, एक्चुअल सरकमफ्रेंस धरती का सरकमफ्रेंस की लंबाई आज हम जानते हैं कि 40,075 किलोमीटर है। तो उसने जो एस्टिमेट दिया था वो रिमार्केबली क्लोज था उसके टाइम के लिए, 2300 साल पहले। तो कंक्लूड करते हैं कि 2300 साल पहले एराटोस्थेनेस ने अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही रिमार्केबल चीज़ कंप्यूट कर दी थी सिंपल एक्सपेरिमेंट से। उस समय पर अलेक्जेंड्रिया बहुत ही बड़ा सी पोर्ट होता था, बहुत जगह जगह से वहाँ से लोग जो है शिप्स आते थे, वहाँ से अलेक्जेंड्रिया से लोग जो है अपने ईस्ट में इंडिया वगैरह की तरफ सेल करते थे। और
अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि धरती जो है गोल है और उतनी बड़ी भी नहीं है, 40,000 किलोमीटर ही उसका डायमीटर है, तो क्या आप टेम्प्ट नहीं होगे कि धरती का चक्कर लगाया जाए, उसके उसके मे बी प्लेनेट के अराउंड हम सेल करें, देख पाएं कि और दूर दूर पर क्या जगह है, हम नहीं जो है टपकेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम जो है धरती वाटरफॉल में ख़त्म होती है। और ऐसी ही एक जर्नी ली क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है 16th सेंचुरी में, करीब इराटोस्थेनेस के 1800-1900 साल बाद। क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत ही पुराने बुक और मैप पढ़ता था, और उसने कई सारे ज्योग्राफर और एस्ट्रोनॉमर्स की बुक पढ़ रखी थी, टॉलमी, स्ट्राबो, इराटोस्थेनेस, इन सब की। और वो इस प्रोजेक्ट से बहुत फैसिनेटेड था कि भाई सब लोग ईस्ट से तो भारत चले जाते हैं, मैं वेस्ट से जाऊंगा। उस समय जो है वेस्ट में लोगों ने ट्रैवल नहीं करा हुआ था, तो वो बड़ा फैसिनेटेड था कि मैं वेस्ट में चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, तो धरती अगर गोल ही है तो मैं ऑब्वियसली इंडिया आ ही जाएगा फिर। तो वो भारत जाने में वेस्ट यानी वेस्ट ओशन पार करके बड़ा इंटरेस्टेड था। और इवेंचुअली जब वो इस रास्ते पे निकला तो इंडिया तो नहीं, उसे अमेरिका बीच में मिल गया, तभी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। अब आप ही बताओ कि क्या अगर क्रिस्टोफर कोलंबस को ये भी ही नहीं पता होता कि धरती गोल है, तो क्या वो जो है ये डेयर करता कि हम जो है धरती का चक्कर लगा के आते हैं? प्रॉब्ली नॉट। सो थैंक यू, ये था आज का टॉपिक। कीप वॉचिंग, बाय।